We are going to talk about 10. पे हम बात करने वाले हैं, पे, अब हम सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं करेंगे. हमें समझ में आ रहा है कि ओके इन आर कंट्री वी है बहुत स्कीम्स लाइक गवर्नमेंट हेस्ट ट्राइड एनाफ कि हमने ये डेवलपमेंट करे, करें वो डेवलपमेंट करें बट इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो शायद बहुत टाइम पहले इंडिया के साथ में सेम हालत पे थी उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया और हमारी और उन कंट्रीज़ के जो कंडीशन है उनके बीच में हम क्या एक कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम प्लस हम क्या और अडेप्ट कर सकते हैं वो सब हम बात करेंगे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पेशली तीन कंट्रीज़ के बारे में पाकिस्तान इंडिया एंड चाइना उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन कंट्रीज ने क्या इनकी कंडीशंस थी इन कंट्रीज ने कैसे ओवरकम किया कैसे डेवलप डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस बन गए तो ये सारी चीजें ऑल द आस्पेक्ट्स वी अर गोइ टू कवर इन चैप्टर नंबर टेन विच इज द कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर इन द प्रिसडिंग चैप्टर वी हैव स्टडीड इन डिटेल ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इट्स प्रॉब्लम पॉलिसीज डेवलपमेंट एवरी we know that the economies of the world have been classified into developed and developing economies. we know that very well. hoti hai developed countries aur dusri hoti hai developing countries. developed मतलब जहाँ पे development हो चुका है, अब वहाँ पे सिर्फ growth हो रहा है धीरे-धीरे. developing मतलब क्या? वो अपने आप को धीरे-धीरे grow कर रहे हैं. अभी भी वो grow हुए नहीं है completely. now in the post

कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर मतलब डायरेक्टली वहां पे वॉर नहीं हुआ है ठीक है बट या देर वॉज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशन बिटवीन फ्यू कंट्रीज जैसे कि यूएसए और सोवियत यूनियन तो इनके बीच में कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत मिलिट्री और पॉलिटिकल टेंशन थी अब उस टेंशन के बाद में पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में क्या हुआ धीरे धीरे कंट्रीज ने क्या किया अपने एलाइज बनाना शुरू कर दिए कि चलो हम पांच कंट्री साथ में काम करेंगे हम ट्वेंटी कंट्री साथ में काम करेंगे जिसमें से इंडिया क्या है इंडिया इज मेंबर ऑफ कंट्री इंडिया इज़ अ मेंबर कंट्री ऑफ एस ए ए आर सी एस ए ए आर सी में क्या है कुछ कंट्री साथ में मिलकर काम करती है देन जी ट्वेंटी ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज विच वर्क टुगेदर देन ब्रिक्स ब्रिक्स में क्या है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका दैट मीन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ ऑल थ्री ग्रुप यूनियन है जैसे हम सुनते हैं ना हम फैक्ट्री में हम सुनते हैं कि है ना फैक्ट्री में ना लेबर यूनियन ने मना कर दिया काम करने से दैट मीन्स वो ग्रुप ऑफ लेबर्स पीपल आर फॉर्मिंग यूनियन राइट यूनियन होने से क्या होता है स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है अगर मैं अकेली काम करूंगी तो काम कैसे होगा पर मैं मेरे फाइव फ्रेंड्स मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा तो वही कंट्रीज को समझ में आने लगा धीरे धीरे दैट आफ्टर दैट स्टार्टेड फॉर्मिंग यूनियंस उससे क्या हुआ हेल्दी रिलेशंस बने कंट्रीज ने आपस में अपना ट्रेडिंग कॉमर्स सब आपस में इंक्रीज किया एक दूसरे को हेल्प किया सो so, होता क्या है यूनियन बनाने से कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा खड़ी रहती है कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई जैसे अभी कोविड हुआ था तो जहां पे पहले स्टार्ट हुआ वहां पे कंट्रीज पर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर राइट कंट्रीज पर ट्राइंग टू रीच आउट टू ईच अदर जैसे बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन आती है हर एक कंट्री में वॉर होते हैं कुछ होता है दो कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो बाकी कंट्रीज उनका सपोर्ट करने के लिए उनके एलाय बन के खड़े हो जाते हैं वहाँ पे तो यहाँ से क्या सीखा कंट्रीज ने कोल्ड वॉर के बाद में कि भाई यूनियन बना के काम करना ज्यादा अच्छा है इट विल स्ट्रेंथन यूनिटी है तो स्ट्रेंथ है वहां पे नाउ द कोल्ड वॉर दैट इज फ्रॉम 1947 टिल 1991 सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर इट वॉज अस्टेन्ड स्टेट ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशन बिटवीन द पावर्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड लेड बाई यूएसए नैटो अलाइज एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड लेड बाय द सोवियत यूनियन एंड इट सैटेलाइट स्टेट्स एंड अलायज क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि दो पावरफुल कंट्रीज यू और सोवियत यूनियन दैट इज रशिया ठीक है इन दोनों के इन दोनों कंट्रीज पावरफुल कंट्रीज प्लस इनके एलाइज के बीच में कोल्ड वॉर था इतने लंबे टाइम तक ठीक है क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हो रही है कोल्ड वॉर मतलब क्या कि आप डायरेक्टली कुछ नहीं करोगे आप सिर्फ एक दूसरे का लेट्स से ट्रेड हार्म करते हो या फिर एक दूसरे का प्रॉफिट हार्म करते हो या फिर आप लेट्स से कंट्रीज आपस में एक दूसरे के आपस में मिलिट्री टेंशन चलती रहती है पॉलिटिकल टेंशन चलती रहती है आप कुछ कॉमेंट कर देते हो कुछ बोल देते हो तो क्या होता है कि इन सब चीजों में हम उसको कोल्ड वॉर कंसिडर करते हो बिकॉज हम डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे किसी कंट्री से बट येस इनडायरेक्टली आप जवाब दे रहे हो चीजों का दैट इज कोल्ड वॉर किसके बीच में था यूएसए एंड इट्स नेटो अलाइज और अगेंस्ट किसके था सोवियत यूनियन दैट इज द कम्युनिस्ट कंट्री सोवियत यूनियन एंड इट्स स्टेट सैटेलाइट स्टेट्स एंड अलाइज ठीक है ईयर क्या था 1947 फोर्टी सेवन नाइनटीन

वो कंट्री ने कौन सी पॉलिसी अपनाई दे आर डूइंग अगर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं तो वाई नॉट हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आती है उनका डेवलपमेंट देख के उनका प्रोसेस देख के देन नॉट है ना तो इसीलिए ये स्टडी की जाती है इट इज नॉट कि कोई कंट्री ऊपर है कोई कंट्री नीचे है कोई कंट्री ने बहुत अच्छा किया किसी ने बहुत खराब किया ये सब दिखाने के लिए नहीं होता है इट इज जस्ट अ स्टडी टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन द डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग कॉम्पिटिशन नॉट ओनली फ्राम द डेवलप्ड नेशन बट ऑल्सो फ्राम अदर डेवलपिंग नेशन सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर इकोनोमीज इन अवर नेबरहुड इज रिक्वायर्ड दैट मीन्स लेट्स इफ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री तो उसके आस पास की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी हमारा कॉम्पिटिशन है प्लस जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो है ही बट डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारी कॉम्पिटिशन बन जाती है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं तो क्या होता है कि वेन यू स्टडी अबाउट द डिफरेंट इकोनॉमीज हाउ दे फंक्शन व्हाट पॉलिसीज वॉट रेगुलेशन दे आर ब्रिंगिंग इन द कंट्री हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग किस सक्सेसफुल हो रहा है तो इन सब चीज़ों से आपको समझ में आता है कि हम अपनी कंट्री में और क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं नाउ now we will discuss or compare the trends in various economic and human development indicators of india the largest democracy in the world with a secular and liberal constitution for over a half a century ऑफ कोर्स ये बताना जरूरी है बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड प्लस हमारी कंट्री सेक्युलर है सेक्युलर मतलब कोई रिलीजन हमारे यहाँ पे ऊपर नहीं है सारे रिलीजन इक्वल हैं राइट और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिबरल है लिबरल क्यों है क्योंकि हमारे यहाँ पे हर एक ह्यूमन uh, बींगजन को हर एक सिटीजन को कुछ फ्रीडम दी गई है कुछ राइट्स दिए गए हैं

कमांड इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी मतलब वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट बताती है क्या करना है ऐसे करना है ये करना है वहां पे लिबरल लिबरल चीजें नहीं होती है तो वहां पे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट रिकन्स्ट्रक्ट करना वापस शुरू किया है वेर चाइना नाउ नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान पाकिस्तान ियन मिलिट्रिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर यहाँ पे भी चलती है मिलिट्री के ऊपर ठीक है तो यहां पे क्या बोला पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है जहां पे ऑल द थ्री कंट्रीज विच इज इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान देम तीनों कंट्रीज के पास में छह डेके कंपेयर करने वाले हैं कैसे वो हम आगे देखेंगे वी विल ऑल्सो अप्रेस द स्ट्रैटेजीज अडोप्टेड बाई दीज कंट्रीज टू रीच आउट देयर प्रजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट क्या बोला जा रहा है कि हम लोग सिर्फ कंपेरेटिव स्टडी नहीं करने वाले हम यहाँ पे बैकग्राउंड देखने वाले क्या क्या पॉलिसीज हुई क्या क्या स्कीम्स निकाली कंट्रीज ने कैसे ये डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे लेके आए प्लस आज हमें पता है तीनों कंट्रीज में से ज़्यादा डेवलप कौन है चाइना तो हम कुछ स्ट्रेटेजीज जो जिस कंट्री की अच्छी रही है उसको प्रेस भी करेंगे सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम डेवलपमेंट पाथ के बारे में स्टडी करने वाले हैं